ग्यारहवीं शीफ। अब किसी ने पूछा जी ग्यारहवीं शीफ कुरान में है, तो मैंने कहा भाई गौस पाक जब तशरीफ लाए ना दुनिया में, कुरान उससे पहले आ चुका था। तो जाहिर है बुजुर्गों ने एक तरीका शुरू किया। अब ये ना देखो कि ग्यारहवीं शरीफ कुरान, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकती। हाँ ये देखो कि ग्यारहवीं शरीफ में कुरान है कि नहीं है। तो जब आपसे ये कोई बात पूछते ना कि ग्यारहवीं कुरान में है, तो आप उस वक्त मुंह देखते यार बात तो ठीक कर रहा है, बात तो यार ठीक कर रहा है, और बात कितना ठीक कर रहा है, बात किसने ठीक कर रहा है, बात को गलत कर रहा है। ये देखो कि ग्यारहवीं शरीफ में कुरान है या नहीं है, सुभान अल्लाह, नबी का मंशूर है कि नहीं है, सुभान अल्लाह, हदीस है कि नहीं है, सुभान अल्लाह, सल्ले अल्लाह के तराने हैं कि नहीं है, सुभान अल्लाह। और अगर भाई जब खाना खाते हो तो हुक्म क्या क्या करना चाहिए, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्या है, कुरान है। कुरान के छोटे से हिस्से से पढ़ने से कितनी बरकत हो जाती है, अगर सारा कुरान पढ़कर खाओगे तो बरकत का क्या हाल होगा। ये आपको लोग बरगलाते हैं, और हमारी और आपकी हालत यही है यार, बात तो ठीक कर रहे हैं, बात तो ठीक है यार। ये पीर साहब आते हैं, उलमा अहले सुन्नत आते हैं, खाने भी पकाने पड़ते हैं, नजराने भी देने पड़ते हैं, और ये देखो यार कितने मस्कीन लोग हैं, ये किसी से कुछ लेते ही नहीं है। किसी से कुछ ईमान जो ले लेते हैं, और क्या लेना उन्होंने आपसे, ये इतने मस्कीन नहीं है। अगर इनकी कारस्तानी देखेंगे तो रहमान बाबा के सजादनशियों से पूछो, जब इनकी जमात के सरबरा ने, सवात डिस्ट्रिक्ट के सरबरा ने, इस जमात के सरबरा ने रहमान बाबा के मजार पर कब्जा किया, जुमे का खुतबा दिया, कहने लगा 27 साल में लगे अपना एजेंडा पूरा करने में, और आज इनने शिर्क का ये अड्डा बंद कर दिया। और 2 हफ्ते के बाद जब ऑपरेशन सुना, बाबे भी जब नाराज हो जाते हैं ना, जब चक्की उल्टी फिरने लगी ना, तो उस मौलवी की लाश को कुत्ते खा रहे।